हेलो फ्रेंड्स, सो 10th क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन डाइजेशन उसके अंदर शुरू किया था, कुछ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट उसके अलग अलग बताए थे। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक तो डायग्राम है और उसके जो डायग्राम के अलग अलग पार्ट है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो लास्ट टाइम आपको बताया था भी डाइजेशन का प्रोसेस है, पार्ट कैसे स्टडी किस प्रकार से काम करेंगे उनके बारे में। तो आज हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखते हैं कि अलग अलग पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम करेंगे पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो आज हम शुरू करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग जो पूरी जो एलिमेंट्री केनाल है, आपको बताया था गट एलिमेंट्री केनाल, पूरा जो पाथ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उनके अलग अलग पार्ट है उनके बारे में आज हम स्टडी करते हैं। तो मैंने पहले आपको कुछ पार्ट बताए थे, क्या क्या पार्ट बताए थे फ्रेंड्स? माउथ, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये आपको पार्ट बताए थे। फर्स्ट कौन सा था? जैसे माउथ, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, उसके अलावा लीवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज के बारे में भी बताया था। तो देखिए फिर यहाँ आप डायग्राम में जैसे देख रहे हो, हमने थोड़ा ये क्या है, ये माउथ है, यहाँ पे माउथ, ये जो पार्ट होता है यहाँ का, ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे जो बनेगा उस पूरे को बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होगा? टीथ होंगे, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड्स, क्या क्या सेलिवरी ग्लैंड, ये सारे पार्ट बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माउथ के बाद अगेन इधर फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद ये जो पूरी जो पाइप है ये क्या है? फूड पाइप, फूड पाइप, इसोफेगस भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसोफेगस, इसोफेगस यहां पे प्रेजेंट होती है फूड पाइप। अब फूड बक्कल के माउथ है, माउथ का तो काम क्या है? फूड को इंटेक करना। बक्कल कैविटी में तीन पार्ट, टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड्स। तो मैं आज उनके फंक्शन साथ साथ बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेशन होती कैसे वो बताऊंगा, तो आपको याद रखनी होगी चीजें। बक्कल कैविटी में टीथ क्या करेगा? जो आप फूड खाओगे उसको क्या करेगा? कट करने का काम करेगा, फिजिकल ब्रेकडाउन करने का काम करेगा। दूसरे टंग है, टंग एक तो टंग के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं और दूसरा फूड को मिक्सिंग करवाने का भी काम करता है। सेलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सेलिवरी ग्लैंड जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं यहां से रिलीज होता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो सलाइवा फूड को सॉफ्ट भी बनाता है और एंजाइम डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो कौन सा एंजाइम सेलिवरी माइलेज रिलीज होता है, किस प्रकार से वो डाइजेस्ट करेगा वो हम स्टडी करेंगे। तो ये तीन पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद फूड जाता है यहां से, जब हम उसको च्यूइंग कर रहे हैं फूड की, तो उसके बाद फूड जाएगा फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कंटिन्यू, और उससे यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ फूड इसका क्या होता है, ये फूड को स्टमक के अंदर भेज देती है। ये क्या करती है? फूड स्टमक के अंदर भेज देती है। ये पार्ट क्या है अपना? स्टमक, स्टमक, स्टमक में एक स्टमक क्या है? एक पाउच है जिसके अंदर 4 to 5 kg फूड कंटेन किया जा सकता है, एक पैन के अंदर स्टोर हो जाता है। और यहाँ डाइजेशन के लिए फूड काफी टाइम तक रुकता है, 4-5 घंटे फूड यहाँ पे क्या है, फूड की जो चर्निंग होती है यहाँ पे एंजाइम्स है ये सारे इसके अंदर मिक्स होते हैं। लगभग 4-5 घंटे फूड यहाँ पे रुकता है स्टमक के अंदर, 3 से 4 घंटे भी रुक सकता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो स्टमक में फूड यहाँ से आ जाता है। अब स्टमक में ये तीन अलग अलग चीजें रिलीज होती है, म्यूकस, एचसीएल, म्यूकस एक बेसिक है, एचसीएल एक एसिड है
और तीसरी क्या होती है यहाँ पे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, वो हम डाइजेशन पढ़ेंगे उसके अंदर साथ साथ पढ़ेंगे। तो स्टमक में भी तीन चीजें रिलीज होती है, क्या क्या, म्यूकस, एचसीएल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम या गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनसे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। तो ये स्टमक यहाँ पे क्या करता है, फूड की चर्निंग करवाता है, इनको इनका मिक्सिंग किस प्रकार से होगा, इनका रोल क्या होगा, वो हम डाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपको पार्ट और उनके अंदर क्या क्या है वो याद करना है, ताकि अगले जब लेक्चर में हम क्या करें उसको इजीली चीजों को समझ पाए। तो इस म्यूकस एचसीएल डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसको आप गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे कह सकते हैं स्टमक के अंदर। ये स्टमक के बाद फूड जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये जो मैंने यहां पे बनाई हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो यहां से बने स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे बॉडी का सबसे जो लंबा है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, लगभग 6 से 7 फीट लॉन्ग हो सकती है। और मैंने जैसे यहां पे इस प्रकार से बनाया है, ये ऐसे मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बनाया, बाकी काफी इस प्रकार से बेंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद स्टार्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, 6 से 7 फीट 8 फीट लंबी एक पाइप होती है जिसके अंदर स्टमक के बाद फूड जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले यहाँ पे दो चीजें और प्रेजेंट है, ये ग्लैंड्स है, एक तो इधर है लीवर, क्या है लीवर, और इधर क्या है पेनक्रियास, क्या है पेनक्रियास, लीवर एंड पेनक्रियास। यहां पे जो ये स्ट्रक्चर आप बना देख रहे हो जो लीवर के साथ है, ये क्या है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। अब आप गांव में जनरली जिसको पित्ते की थैली बोलते हैं वो क्या है गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड पेनक्रियास, ये क्या है, ये ग्लैंड्स है जहां से एंजाइम रिलीज होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आगे तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, जो स्टमक के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं ड्यूडेनम बोला जाता है, और जो बीच का पार्ट है ये वाला इसको क्या बोलते हैं जेजुनम, और इधर का पार्ट होता है लास्ट का इसको बोलते हैं इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं इलियम। तो जब डाइजेशन होती है तो जो फर्स्ट दो पार्ट होते हैं ड्यूडेनम एंड जेजुनम, इन दोनों पार्ट का स्टूडेंट्स क्या काम होता है, ये जो डाइजेशन के बाद फूड डाइजेस्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन का काम करवाते हैं फूड की, मेन रोल होता है इनका फूड की एब्जॉर्प्शन के अंदर। इलियम से जो आगे फूड है वो यहाँ पे जो ये यहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, ये वाली पूरी ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ इनका जंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। जो जंक्शन वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का, ये पार्ट होता है सीकम, और ऊपर जो यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है ये पूरा होता है कोलोन, और यहां एक थैली बनी होती है इसको बोलते हैं रेक्टम, और जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एनस, रेक्टम एनस। ये आपको हम अलग अलग बता रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये फर्स्ट जो स्टमक के साथ होता है ड्यूडेनम पार्ट होता है, उसके बाद जेजुनम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पार्ट होता है जो डिस्टल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं इलियम। ये काफी बेंडेड स्ट्रक्चर होता है, काउंट होता है, वाइल्ड होता है एक दूसरे के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इस प्रकार से उलझी हुई होती है, और ये यहाँ पे इधर जुड़ी हुई है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है सीकम, सीकम के बाद क्या है कोलोन, कोलोन के बाद क्या है रेक्टम। तो इधर जो नीचे जो पार्ट बनाई होती है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जिसका आपने एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जिसका कोई यूज नहीं होता, और बहुत सारे आजकल आपने देखा होगा अपेंडिक्स के ऑपरेशन करवाए जाते हैं। तो ये क्या है पार्ट अपेंडिक्स, ये शुरू से क्या माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
रेक्टम, एनस, पेंक्रियास, लीवर, गॉलब्लैडर, ये अलग अलग पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब तो मैंने यहाँ पे पेंक्रियास, लीवर और गॉलब्लैडर बनाया है। पेंक्रियास क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। यहां अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे डक्ट जो बनाई है, ये डक्ट जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ रही है, बट इधर जो लीवर और गॉलब्लैडर से जो डक्ट आ रही है ये पहले जुड़ रही है पेंक्रियास वाली डक्ट से, और फिर एक कॉमन डक्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर बात सीधा इसको कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेंक्रियास और लीवर की एक जो या गॉलब्लैडर की एक कॉमन डक्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। लीवर क्या है? हमारी बॉडी का अगर सबसे बड़ा ग्लैंड अगर कोई पूछा जाए तो वो क्या है? लीवर होता है। लीवर इतना ही बनाया कि यहाँ पीछे तक होता है, वैसे यहाँ ऊपर यहाँ पे डायाफ्राम होता है। तो जो लीवर है, लीवर क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। वो बाइल जूस यहाँ पे गॉलब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, गॉलब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। इधर पेंक्रियास से क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। बाइल का भी रोल होता है इनकी डाइजेशन के अंदर, फैट्स के डाइजेशन में। जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल के अंदर छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ने के लिए बाइल का रोल होता है। तो बाइल यहां से इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस के लिए बाइल यहां पे रिलीज होता है। रिलीज कहां से होता है? लीवर से। स्टोर कहां पे होता है बाइल जूस? गॉलब्लैडर के अंदर। रिलीज कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो पेनक्रियाज है यहां से क्या होते हैं? अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे रोल होता है, वो हम नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे इसकी जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर। तो अब आपने क्या करना है, आपने याद रखा है चीजों को, दोबारा बता देता हूं। ये जो मैंने पांच आपको पहले स्टेप बताए थे, क्या क्या बताए थे? जो स्टेप डाइजेशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन है वो तो माउथ से होती है, डाइजेशन बक्टल कैविटी में भी होती है, स्टमक में भी होती है, और कंप्लीट डाइजेशन कहां हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अलग अलग फिर से पार्ट बता देंगे आपको, यहां पे कंप्लीट हो जाती है डाइजेशन। उसके बाद क्या प्रोसेस आता है? एब्जॉर्प्शन। तो फूड जो डाइजेस्ट हो गया वो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लगी होती है इसके अंदर विलीज होती है। विलीज क्या करती है? फूड को एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इन दो पार्ट के अंदर ड्यूडिनम और जेजुनम के अंदर बहुत ज्यादा विलीज प्रेजेंट होती है। वो फूड को एब्जॉर्ब करती है और आगे बॉडी पार्ट में पहुंचाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ब्लड के अंदर फूड चला जाता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है फूड, उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होती है, याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हम दवाइयां लेते हैं, ड्रग्स जो होती है उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, या फिर जो वॉटर होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, उसकी भी एब्जॉर्प्शन होती है। क्योंकि अगर वॉटर ज्यादा लॉस हो गया तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो उस डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बॉडी का एक मैकेनिज्म है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वॉटर की एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ वॉटर एब्जॉर्ब होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या, कहा जाके स्टोर होता है? रेक्टम के अंदर। यहाँ तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो ये पार्ट होते हैं, यहाँ के अंदर क्या, अनडाइजेस्टेड फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। यहाँ पे एक ल्यूब्रिकेंट रिलीज होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड की पासेज है बॉडी से बाहर एनएस के थ्रू, वो इजीली हो जाए, ज्यादा हार्ड फूड वो न रहे, अनडाइजेस्ट फूड है इसलिए यहाँ पे उसको थोड़ा ल्यूब्रिकेशन के लिए यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट भी रिलीज होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं या उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब पूरा डाइजेशन में होता कैसे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको स्टडी करेंगे। देख स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, दोबारा एक बार फिर फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड एनस, ये लीवर और पेंक्रियास, ये अलग अलग पार्ट, इनके नाम और ये डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है जब भी सीबीएसई का जो एग्जाम है या कोई भी एग्जाम होता है, इसमें क्या है, डायग्राम दे दिया जाता है, पार्ट पूछ लिया जाता है या फिर इनके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं, या एक पार्ट दिया वो उसके फंक्शन पूछे जाते हैं। तो आपने इसको डायग्राम को, डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को आपने अच्छे से
ड्रॉप करना है, पिछले भी मैंने दिया था वर्कशीट के अंदर, आज फिर दे रहा हूँ, आपने इसको पूरा अच्छे से करना है, ये डायग्राम आपने बना के देखना है, और इसके अलग अलग फंक्शन जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताए हैं नोट्स की फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, और इनके ऑलरेडी भी आपको मैंने अभी क्लास के अंदर बताए हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके गाइज, थैंक यू।